नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। आखिरकार शाहरुख साहब ने अपनी को स्टार दीपिका पादुकोण के ऊपर एक बहुत बड़ी बात बोल डाली है। जी हां, एक ऐसी बात जिसे सुनकर दीपिका फैंस में भी हलचल होगी और प्लस पठान फिल्म को कहीं ना कहीं और क्रेज मिलेगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पठान जो कि 25 जुलाई 2023 में रिलीज होने वाली है, इसकी चर्चाएं अभी से हैं। तो सुनिए ये बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। दोस्तों, शाहरुख साहब ने एक सेशन चालू किया था आस्क एस आर के, कि आप शाहरुख खान के साथ कुछ भी पूछ सकते हैं। 15 मिनट दिए थे उन्होंने सोशल मीडिया पे और उस 15 मिनट में उन्होंने ऑडियंस के भरपूर सवालों का जवाब दिया, जिसमें न सिर्फ सलमान साहब के बारे में बात हुई, अक्षय कुमार के बारे में बात हुई, बल्कि बहुत से एक्टर्स के बारे में बात हुई। अब दीपिका पादुकोण जो कि शाहरुख खान की को स्टार हैं पठान में, उस पर सवाल करते हैं कि हाउ इट इज वर्किंग विद दीपिका, यू बोथ आर माई फेवरेट्स, #AskSRK। एक यूजर ने दोस्तों शाहरुख साहब से ये पूछा था और आप लोगों को बता दो दोस्तों, तो वो कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम हर अमेजिंग कैपेबिलिटीज एज एन एक्टर एंड स्टार, द कामिंग इफेक्ट दैट शी हैज ऑन द वर्ल्ड फिल्म इज अमेजिंग। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान ने यहाँ पर तारीफों के पुल बांध दिए हैं दीपिका पादुकोण के। वो कहते हैं कि उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं एज एन एक्टर, उसके कंपेयर की अगर बात की जाए तो वो तो अच्छी हैं ही हैं, वो तो ज़बरदस्त हैं ही हैं, अमेजिंग है, लेकिन उनमें एक ऐसी बात है, एक ऐसी चीज़ है, एक कामिंग इफेक्ट, मतलब उनको देख के इंसान जो है अगर उग्र हो रहा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा उग्र कहते हैं ना, अंदर ही अंदर फ्यूरियस हो रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मान लो कोई ज्वालामुखी किसी के अंदर में धधक रहा है तो वो एकदम शांत हो जाएगा। दीपिका पादुकोण हैज़ दैट चार्म। और ये बात सिर्फ शाहरुख साहब ही नहीं बोल रहे, बहुत से एक्ट्रेस पहले जो दीपिका के साथ काम कर चुके हैं उन्होंने ये बात यहीं कही है। और आप देखिए, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दोनों एकदम पोल्स अपार्ट नेचर है। रणवीर दम लाउड हैं, ये वो ऐसा वैसा, और दीपिका एकदम काम है। तो कहते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, और यहीं ऐसा ही हुआ है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण का जो किरदार सामने आया है वो किरदार ऐसा है जिसमें दीपिका पादुकोण ज़बरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगी। मुझे याद है शाहरुख साहब का जब 30 साल कंप्लीट हुए थे इंडस्ट्री में और वो लाइव आए थे ऑडियंस के बीच में, उस दौरान उन्होंने बात बोली थी कि दीपिका पादुकोण और मेरे बीच में लड़ाई हो जाती थी। किसके लिए? हेयर डोज के लिए, मतलब मेरे भी इतने बाल, दीपिका के भी इतने बाल, और हम लोगों में कभी कभार ये हो जाता था कि कौन किसकी हेयर स्टाइल को अपनाएगा, कौन अभी इस वक्त सीन में क्या हेयर स्टाइल लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, सो दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की अगर बात की जाए दोस्तों, तो दोनों ने ही लंबे बाल इसमें फिल्म में स्पॉट किए हैं और दोनों ही एक्सट्रीमली फिट नज़र आ रहे हैं। और जब शाहरुख साहब ने ये बड़ी बात बोल डाली तो डेफिनेटली अमेजिंग है ही है। आपको क्या है कहना कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलता हूँ, बाय बाय।